वेलकम बैक टू द वीडियो। अच्छा हम सॉरी, मुझे लग रहा है थंबनेल कुछ ज्यादा डरावना बन गया है, बट डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो बिल्कुल ना डरे जिनका कंटेंट ओरिजिनल है, बाकी डर सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम अपनी पॉलिसीज को अपडेट करता जा रहा है स्पेशली क्रिएटर्स के लिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पैसे दे रहा है भाई। अब इस वीडियो में जो अपडेटेड पॉलिसी है उनके बारे में बात करेंगे, तो वीडियो कंटेंट जरूर देखना है बिना स्किप किए। करें स्टार्ट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राज, चैनल का नाम है अपकमिंग वर्ल्ड। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हिट द सब्सक्राइब बटन। और वीडियो पसंद आया वीडियो को यस लाइक कर देना, चैनल को अभी कर दो सब्सक्राइब। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बात कर लेते हैं इन पॉलिसीज के बारे में, इंस्टाग्राम ने जो अपडेट किया है उसके लिए लेके चलता हूं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। ओके, तो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर हम लोग आ गए। ये इंस्टाग्राम का जो ऑफिशियल क्रिएटर का पेज है ये वो है। ओके, अब यहाँ पे आप भी अपने, अब आप कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल जब भी आपको इंस्टाग्राम से रिलेटेड कुछ भी चाहिए नॉलेज, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। आए दिन कुछ ना कुछ नया पोस्ट रहता रहता है इंस्टाग्राम से रिलेटेड यहाँ पे। एंड स्पेशली हु आर क्रिएटिंग कॉन्टेंट ऑन इंस्टाग्राम, वो तो इसको सब्सक्राइब ही कर लो, फॉलो ही कर लो। ओके, क्योंकि उनके लिए तो ये मस्ट है, क्रिएटर्स के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो क्रिएटर्स ने सब्सक्राइब कर लिया, मैंने तो कर लिया क्योंकि मैंने नहीं किया हुआ था। मैं बाकी चेक कर लेता हूँ यहाँ पे आके, बार बार आपको बताते हुए मैंने कर लिया। अब यहाँ पे इंस्टाग्राम ने अपनी कॉपीराइट पॉलिसीज अपडेट किया है। पहले तो अपडेट क्यों किया है, अब तक अपडेट क्यों नहीं किया था? आपने देखा होगा इंस्टाग्राम ने 150 मोनेटाइजेशन पॉलिसीज बिल्कुल लागू कर दिया। अभी अब हमें इंस्टाग्राम की फीड के अंदर भी एड्स मिलेगी, हमें रील बोनस भी मिलता है, हमें ब्रांडेड कंटेंट के साथ भी मोनेटाइजेशन की चीज़ें मिल रही है। हम इंस्टाग्राम पे और बहुत तरीके से पैसा कमा सकते हैं। अब जो हमें पैसा दे रहा है तो वो बोलेगा कि आपका कंटेंट ओरिजिनल है, आप एक रियल क्रिएटर हो, तभी हमें पैसा मिलेगा। इंस्टाग्राम बिकमिंग यूट्यूब, आप एक तरह से ये बोल सकते हैं। इंस्टाग्राम पहले था एक फोटो पोस्टिंग प्लेटफॉर्म, नाउ इंस्टाग्राम बिकमिंग अ वीडियो प्लेटफॉर्म। शॉर्ट फॉर्मेट हो, बड़े फॉर्मेट हो, इंस्टाग्राम हर फॉर्मेट में वीडियोस डाल ही रहा है। आप इंस्टाग्राम भी चलाओगे तो आपको फोटोज कम वीडियोस ज्यादा मिलेगी, राइट? सेम यूट्यूब क्या? ओके, यूट्यूब की इतनी पॉलिसीज हैं, यूट्यूब ने पॉलिसीज लागू की हैं, इसी वजह से वो कंट्रोल कर पाया। यूट्यूब हर किसी को तो पैसे नहीं दे सकता ना, सेम इंस्टाग्राम भी हर किसी को पैसे नहीं दे सकता। इंस्टाग्राम एकदम बिल्कुल फिल्टर करेगा कि जो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर्स हैं उन्हें ही पैसा दिया जाए, क्योंकि इंस्टाग्राम ने इनिशियली दिया था, बहुत लोगों को दिया था, हर एक पेजेस को दिया था, हर तरह के अकाउंट को दिया था, दैट वॉज टेस्टिंग फेज। ओके, अब इंस्टाग्राम नहीं करे चाह रहा है ऐसा, इसलिए पहले उसने इनिशियली ये कॉपीराइट जो पॉलिसीज है उसे लागू कर दिया है। अब यहाँ से जो क्रिएटर्स हैं उनके दिमाग में एक रियल क्लियर पिक्चर चली जाएगी कि हमें क्या नहीं करना है, क्या करना है। अगर किसी ने ऑलरेडी ये सब चीज़ें की हुई हैं तो वो ध्यान रखे, अपने पोस्ट को कर दो भाई इधर उधर। ओके, ताकि आपका अकाउंट सस्पेंड ना हो, क्योंकि इंस्टाग्राम बहुत जल्दी बहुत सारे अकाउंट को सस्पेंड भी कर सकता है। ओके, आपका ओरिजिनल कॉन्टेंट होना चाहिए, और अगर आपका अकाउंट सस्पेंड भी नहीं होता है तो हो सकता है वो इनएलिजिबल हो जाए रील बोनस के लिए या कैसे भी मोनेटाइजेशन के लिए, कि आपका इनएलिजिबल हो गया है, अब आपको कोई भी मोनेटाइजेशन रिलेटेड कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको। बाकी अगर आपने अभी स्टार्ट किया है ना, आप यू आर अ क्रिएटर और आप एक इनिशियल फेज में हो, या आप एक अच्छा कंटेंट, एक अच्छी वो बना चुके हो ऑडियंस, तो अब आपको ध्यान में रखना है कि क्या चीज़ नहीं करनी है। इंस्टाग्राम की पॉलिसीज के अगेंस्ट तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। ओके, क्योंकि पैसे दे रहा भाई वो तो, राइट? आपको यहाँ पे समझ लेनी है। वैसे मैं क्लियर भाषा में बहुत आज इजी से समझा देता हूँ। ओके, वी वॉन्ट इंस्टाग्राम टू रिमेन एन ऑथेंटिक प्लेस टू क्रिएटिविटी, इंस्पिरेशन एंड एक्सप्रेशन। ये पढ़ लेना, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये मैं जो डिटेल है मैं वो चीज़ें बढ़ा देता हूँ जो एक्चुअल चीज़ें हैं। ओके, जो कॉपीराइट पॉलिसीज में है, हेल्पफुल कॉपीराइट क्वेश्चन टू आस्क, डिड आई क्रिएट ऑल द कॉन्टेंट माई सेल्फ। पहला क्वेश्चन हम यही बोलेंगे ना, हम यही पूछेंगे कि सारा कॉन्टेंट हमें खुद ही क्रिएट करना है। ओके, ऐसा नहीं है। दूसरा है, डू हैव परमिशन टू यूज ऑल ऑफ कॉन्टेंट इंक्लूड। ओके, इफ सो यू आर गुड टू पोस्ट। आप कंटेंट बीच बीच में जैसे मीम्स लगाते हो बीच, ऐसा नहीं करना है आपको कि आपने किसी की एकदम किसी और की ही जो वीडियो है वो पोस्ट कर दिया अपने पे, या आपने कोई बॉलीवुड पिक्चर का कोई सीन ही पोस्ट कर दिया अपने पे। नहीं, आप अपने एक ओरिजिनल कंटेंट बना रहे हो। ओके, उसमें कुछ तो आपका होना चाहिए, वैसे कुछ उनका होना चाहिए बाकी आपका होना चाहिए, बट फिर भी फॉर लाइक बहुत ही एक बड़े सिनेरियो के लिए ले लेते हैं, कुछ तो आपका होना चाहिए। आपका वॉइस ओवर होना चाहिए, आपकी कमेंट्री होनी चाहिए उस पर, या फिर उसमें आप बीच बीच में मीम डाल सकते हो अपनी ओरिजिनल कंटेंट में, तो ये वाला जो फॉर्मेट है ये चल जाएगा। लेकिन सब कुछ ही किसी और का नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये क्लियर हो गया एक आपको चूज। ये सेम, मतलब जैसे यूट्यूब के पॉलिसी से बिल्कुल ही सेम उठा के वही है, मैं आपको बता दूं। तीसरा है, द फॉलोइंग डू नॉट नेसेसरी टू गिव यू अ राइट टू शेयर कॉन्टेंट। क्या क्या नहीं करना है, यू अपियर इन द कॉन्टेंट, समवन एल्स ऑलरेडी पोस्टेड इट,
ओके यू बॉट और डाउनलोड द कंटेंट फ्रॉम, फॉर एग्जांपल आपने कोई आईट्यून से गाना डाउनलोड कर लिया है, ओके आपने कोई गाने डाउनलोड करके डाल दिया, वो नहीं करना है। ऐसा कोई कंटेंट पोस्ट नहीं करना है जो ऑलरेडी किसी और ने पोस्ट किया, आपने उठा के उसको, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, ओके यू रिकॉर्डेड कंटेंट योरसेल्फ, फॉर एग्जांपल आपने किसी टीवी की मतलब जाके आप थिएटर में जाके वो रिकॉर्ड कर लिया, आपने कोई सीन आपने अपलोड कर दिया, नहीं करना ऐसा, या टीवी की स्क्रीन कर दिए, नहीं करना ऐसा। ओके यू गेव योर क्रेडिट टू द ऑथर, अगर ऐसा कर रहे हो तो आपको क्रेडिट तो देना ही पड़ेगा, स्टिल उसने कॉपीराइट नहीं दिया तो। अगर कॉपीराइट पॉलिसीज आई है तो ऑथर को ये राइट भी दिया जाएगा कि वो कॉपीराइट स्ट्राइक मार दे। ओके तो आपको क्रेडिट देना ही देना है, अगर किसी का कंटेंट आपने इतना सा भी डाला है तो उसको क्रेडिट देना, जैसे हम लोग यूट्यूब पे देते हैं। तो इस पे भी वही कंटिन्यू है, समथिंग क्रिएटेड इज फीचर्ड इन कंटेंट डिजाइन वर्क आर्ट यू गेव डिस्क्लेमर यू मॉडिफाइड द कंटेंट, मतलब आप किसी और के कंटेंट में हो और आपने डिस्क्लेमर दे दिया है, वहां पे आपको डिस्क्लेमर तो देना ही पड़ेगा कि भाई मैं उस कंटेंट में था और मैंने इसलिए ये डाल दिया। ओके तो फिर भी उस ऑथर को आपको डिस्क्लेमर देना ही पड़ेगा, या आप उसे मॉडिफाई करके डालोगे, मतलब अपना वॉइस ओवर करके या फिर अपनी चीजें करके, ऐसे डायरेक्ट नहीं डाल सकते। बाकी कॉपीराइट पॉलिसीज यही है। अब आपको समझ में आ गया, अगर आपने कोई भी ऐसी गलती की है, आप कुछ भी किसी का भी बना के डाल रहे हो, तो रील बोनस जा सकता है, पहली चीज। ओके अगर मिला भी है तो आप मोनेटाइजेशन के लिए इनएलिजिबल हो जाओगे। तो आपको अपना ओरिजिनल कंटेंट ही डालना है, ये चीज आपको समझ लेनी है। ओरिजिनल कंटेंट इज ओरिजिनल कंटेंट, कोई फैन पेज नहीं चलेगा, मीम्स भी चल जाएंगे लेकिन मीम्स में भी आपका कुछ खुद का होना चाहिए। ओके यानी कि खुद की ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, बाकी जो म्यूजिक होगा इंस्टाग्राम खुद अभी दे देगा। और कॉपीराइट से हमें फेमिलियर करा रहे हैं ताकि अब बहुत सारी भीड़ ना बढ़े, जो फिल्टर्ड है, जो अच्छे कंटेंट क्रिएटर है, उन्हें ही इसका बेनिफिट मिले। बाकी आप क्या करते हो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, आपका कैसा पेज है, किसकी का पेज है, बाकी मैं भी चेक कर लूंगा कि कौन कौन से पेज मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल है। राइट आपको पता लग गया होगा इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, वीडियो वर्थ वॉचिंग लगी है तो कमेंट बॉक्स में यस या नो जरूर लिख देना, नो लिख सकते हो अगर नहीं लगी है तो, बाकी यस अगर लगी है तो यस लिख देना। उसी के साथ साथ वीडियो पसंद आई है तो गिव इट अ थम्स अप, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच।